इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स पार्ट वन चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस फिगर पर ध्यान देते हैं। कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि रंगोली को पूरा करें। रंगोली पूरा हो जाने पर निम्नलिखित प्रश्नों की सहायता से कक्षा में चर्चा करें। चलिए सबसे पहले हम इस रंगोली को कंप्लीट करते हैं। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें बने सभी शेप्स को पहचानना होगा कि इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, फिर इन आकृतियों के ऑर्डर्स पर ध्यान देना होगा कि ये किस स्थान पर हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर्स हैं, एक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल्स हैं और एक लाइन सेगमेंट भी है। ये आकृतियाँ किसी ऑर्डर में बनी हुई हैं, जैसे ये तीनों स्क्वायर्स एक एक बिंदु के गैप पर हैं। बीच वाले वर्ग में यहाँ इसके बेस से एक रेक्टेंगल ज्वाइंट है। इस तीसरे स्क्वायर के ठीक नीचे एक लाइन सेगमेंट है। देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी शेप का अधूरा भाग है। तो यह बीच वाले हिस्से को छोड़कर देखने पर ये एक दूसरे के सिमेट्री यानी कि समरूप दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस रंगोली के नेचर को यानी कि प्रकृति को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कि ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग सिमेट्री है। तो इसी तरह से ये राइट साइड का भाग भी इस लेफ्ट साइड का सिमेट्री यानी कि समरूप होगा इस प्रकार से। तो चलिए अब हमें इसके सवालों की ओर चलना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग ए रंगोली। मतलब रंगोली बनाने के लिए पृष्ठ भाग कैसा होना चाहिए, यानी कि सतह कैसी होनी चाहिए जिस पर यह रंगोली आसानी से बनाई जा सके। तो इसका आंसर होगा प्लेन सरफेस, समतल सतह, जो ना कहीं पे उभरी होती है और ना कहीं पे गहरी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग ए रंगोली। रंगोली बनाने की शुरुआत आप कैसे करते हैं। तो इसका आंसर होगा आई स्टार्ट विद डॉट्स, क्योंकि कोई भी आकृति बनाने की शुरुआत किसी निश्चित स्थान से ही होती है और वह निश्चित स्थान एक बिंदु ही होता है। जैसे कि हम कोई अक्षर ए लिखते हैं, तो ए लिखने के लिए हमें पेन या पेंसिल की नोक को पेपर शीट पर कहीं ना कहीं तो रखना ही होता है। जैसे कि ये, इन्हें आपस में मिलाने पर लेटर ए कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड यू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली। रंगोली को पूरा करने के लिए आपने क्या किया। इस रंगोली को पूरा करते समय हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, शायद आपको याद होगा कि हमने इस रंगोली के नेचर और स्ट्रक्चर को पहचान करके सही बिंदुओं को मिला करके उचित क्रम में समरूप आकृतियों का निर्माण किया और इस प्रकार से यह रंगोली पूरा हुआ। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा आई मेड रिक्वायर्ड सिमेट्रिकल फिगर्स ऑन द राइट प्लेस विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स। तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली। रंगोली में आपको दिखाई देने वाले विभिन्न आकृतियों के नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, फिर भी मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो इस रंगोली में कौन कौन से शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन ए स्कूटर और ऑन एन एलिफेंट्स बैक। क्या किसी स्कूटर या किसी हाथी के पीठ पर रंगोली बनाई जा सकती है। इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर वन पे गौर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि रंगोली बनाने के लिए समतल सतह होनी चाहिए और इस प्रकार से आपको पता होगा कि स्कूटर और हाथी के पीठ की सतह कैसी होती है, कहीं पे प्लेन तो कहीं पे उभरी हुई और कहीं पे गहरी होती है। इसलिए इसका आंसर होगा नो, बिकॉज वी नीड प्लेन सरफेस फॉर मेकिंग ए रंगोली। आइए अब हम लोग इस आखिरी क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं। व्हेन मेकिंग ए रंगोली ऑन पेपर व्हाट डू यू यूज टू मेक द डॉट्स। कागज़ पर रंगोली बनाते समय बिंदुएं बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर तो आपको मालूम होगा, पॉइंट ऑफ ए पेंसिल, मतलब पेंसिल की नोक। ऑल राइट, तो इस रंगोली का काम तमाम हुआ। अब बारी है ज्योमेट्री के नींव की, मतलब इस चैप्टर के एलिमेंट्स के डेफिनेशंस की। तो चलिए सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति भी कहते हैं और रेखागणित भी कहते हैं।
जिसमें पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस, रेज, कर्व्स एवं प्लेन्स इत्यादि जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और हम इस अध्याय बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में उपयोग में आए एलिमेंट्स एवं आपस में कॉम्बिनेशन से बने एलिमेंट्स के परिभाषाओं को जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इन्हें शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए, इन तत्वों की एक सूची बना लेनी चाहिए जो इस प्रकार से होंगे: पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस, रेज, प्लेन्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। अब इस लिस्ट को हम दो भाग में बांट लेते हैं जिससे आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। ये 1 से लेकर के 5 तक जो तत्व हैं इन्हें एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, और 6 से लेकर के 11 तक जो तत्व हैं इन्हें कॉम्बाइंड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो 5 तत्व हैं ये ज्योमेट्री के बेस हैं, यही ज्योमेट्री का आधार है, और इन्हीं के आपस में कॉम्बिनेशन से ये आगे के 6 तत्व बने हैं। इसलिए इन 6 तत्वों को कम्बाइंड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे कि पैरेलल लाइंस, ये कम से कम 2 लाइनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी कम से कम 2 लाइनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी कम से कम 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक सीध में होते हैं, जो एक लाइन में होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी कम से कम 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक ही लाइन में नहीं होते हैं। कॉन्करेंट लाइंस, ये 2 या 2 से अधिक लाइनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। और ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ये पॉइंट और लाइनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें कम्बाइंड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके डेफिनेशंस को जानते हैं। पॉइंट्स, द टाइनी डॉट्स आर शोन इन द फिगर आर पॉइंट्स एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। फिगर में दिखाए गए छोटे छोटे डॉट्स को पॉइंट्स कहते हैं। लाइंस विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एवर विदाउट एनी लिमिट्स ऑन द बोथ साइड्स आर कॉल्ड लाइंस। लकीरें जो दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ाई जा सके उन्हें रेखा कहते हैं। लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट इज ए पीस और सेगमेंट ऑफ द लॉन्गर लाइन। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट्स आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा होता है जिसमें 2 बिंदुए होते हैं, इन बिंदुओं को इस रेखाखंड का अंत बिंदु कहते हैं, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, या एक रेखाखंड है, इसे न इधर से बढ़ाया जा सकता है न ही इधर से बढ़ाया जाता है, ये फिक्स होते हैं, इन्हें मेजर भी किया जा सकता है। इन्हें इस तरह से लिखते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। फोर्थ, रेज। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। किरण रेखा का एक हिस्सा है जो एक बिंदु से निकलकर लगातार एक ही दिशा में बढ़ती रहती है, जैसे ए भी एक रे है जिसमें से ए वह बिंदु है जहाँ से यह रे निकलती है और दूसरी ओर इधर से यह लगातार बढ़ती रहती है, इसे भी नापा नहीं जा सकता। फिफ्थ, प्लेन्स, प्रतल, सपाट। ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन, ईच फ्लैट सरफेस इज ए पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट सरफेस। एक समतल सतह को प्रतल या सपाट कहते हैं। प्रत्येक समतल सतह एक असीमित सतह के हिस्से होते हैं। सिक्स्थ, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, जैसे कि ए बी और पी क्यू, ये 2 समांतर रेखाएं, ये 2 रेखाएं हैं जो एक ही सपाट पर हैं और एक दूसरे के समान अंतर पर हैं, इसलिए इसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसे लिखने के लिए हम लोग ए बी पैरेलल पी क्यू लिखते हैं या एल पैरेलल एम। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदक रेखाएं। लाइंस इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट इच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेदक रेखाएं कहते हैं, जैसे कि लाइंस ए बी और एक्स वाई, ये एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रतिच्छेदक रेखाएं कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदुएं।
थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। जो तीन अथवा अधिक बिंदुए एक सीधी रेखा में होते हैं उन्हें संरेख बिंदुए कहते हैं। जैसे कि ये बिंदुए बिंदु ए, बी और सी एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स असंरेख बिंदुए। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वे बिंदुएँ जो एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं उन्हें असंरेख बिंदुए कहते हैं। जैसे कि बिंदुएँ एक्स, वाई और जेड ये तीनों अलग अलग स्थित हैं, एक ही लाइन पर स्थित नहीं हैं। कॉन्करेंट लाइन्स संगामी रेखाएँ। वेन टू और मोर लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। जब दो या दो से अधिक रेखाएँ एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएँ कहते हैं। जैसे कि ये लाइन लाइन ए, बी, सी और डी एक ही बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए ये रेखाएँ संगामी रेखाएँ कहलाते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस संगमन बिंदु। द कॉमन पॉइंट थ्रू विच टू और मोर लाइन्स पास इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। वह सामान्य बिंदु जहाँ से होकर दो या दो से अधिक रेखाएँ गुजरती हैं उस बिंदु को उन रेखाओं का संगमन बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री के आवश्यक तत्वों की परिभाषाएं संपन्न हुईं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि सॉल्यूशन को देखने से पहले इन परिभाषाओं को लगातार 3-4 बार इनके फिगर के साथ लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप पूरे ध्यान से कोशिश करते हैं तो आपको इस वीडियो के आंसर वाले भाग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं भी यही चाहता हूं कि आपको आंसर देखने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपका थोड़ा समय बचेगा जिसे आप अन्य टॉपिक को समझने में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। संलग्न आकृति के आधार पर निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो नीचे क्या क्या हैं जिनके नाम लिखने हैं उन तत्वों को पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स संरेख बिंदुएं, सेकेंड है रेज किरणें, थर्ड है लाइन सेगमेंट्स रेखाखंड, एंड फोर्थ है लाइन मतलब रेखा। इनके नाम सुनते ही आपके मन में इनकी परिभाषाएं चलने लगे होंगे एवं इनकी आकृतियां भी बन रही होंगी कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और लाइंस किसे कहते हैं। क्योंकि इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह से आकृतियों के साथ व्याख्यान किया जा चुका है, जो मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें पूरे ध्यान से देखा, सुना और समझा होगा। तो इसके नाम लिखने से पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इसका प्रेक्षण करेंगे। इन चार ऑप्शंस को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये सभी इसी फिगर में सम्मिलित हैं, मिक्स हैं। इसी में से इनकी पहचान करके हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं। तो इनको पहचानेंगे कैसे? इनको पहचानने के लिए इनके परिभाषाओं में जो फिगर्स बने हैं उन्हें एक एक करके इस फिगर से मैच करेंगे, उनका मिलान करेंगे। जिन्होंने इनकी डेफिनेशंस पे पूरा ध्यान दिया होगा उनके मन में इनकी आकृतियां तो बन ही रहे होंगे, और बाकियों के लिए उन आकृतियों को यहाँ ला करके और मैच करके बता देता हूँ। तो पहला क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके परिभाषा से इसके फिगर को उठा लेते हैं और इस फिगर के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और देखते हैं कि यह किसके ऊपर फिट होता है। तो हम देखते हैं कि यह यहाँ और यहाँ इन दो आकृतियों पे फिट हो रहे हैं जो एक ही प्रकृति के हैं, केवल इनके नाम अलग होंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा कोलिनियर पॉइंट्स, फर्स्ट में होगा पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, और सेकेंड होगा पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। इसी प्रकार से रेज को भी मैच करते हैं, तो यह यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ इन 6 आकृतियों पे फिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी रेज हैं, किरणें हैं। और इनको कैसे लिखते हैं? रेज, रे ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस एंड रे ओ आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं रे ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस एंड रे ओ आर।
यह एग्ज़ाम्स में थोड़ा समय का भी बचत करेगा। अब लाइन सेगमेंट को भी मैच करते हैं। यह यहाँ 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 और यहाँ, इन 8 आकृतियों पे फिट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो लाइंस हैं और रेज हैं, लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं। तो आपको मालूम होगा कि परिभाषा के अनुसार रेज और लाइन सेगमेंट्स दोनों लाइंस के ही हिस्से होते हैं। इसलिए लाइंस के ये 2 हिस्से और रेज के ये 6 हिस्से सभी क्या हैं? ये 8 हिस्से पार्ट्स यानी कि सेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं। तो ये क्या हुए? लाइन सेगमेंट्स। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, लाइन सेगमेंट्स, सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन, सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस एंड सेगमेंट ओ आर। इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन, सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस एंड सेगमेंट ओ आर। ठीक है, अब बारी है लाइंस की, इसे भी मैच कर लेते हैं। तो यह यहाँ और यहाँ इन दो आकृतियों से मैच हो जा रहे हैं और फिट भी हो जा रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों तरफ एरो हेड्स हैं, मतलब ये दोनों साइड से बिना किसी लिमिट के बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों लाइंस हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, लाइंस, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन, रेखा के भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग नामों को लिखिए। तो इसके लिए भी हम उसी तरीके का उपयोग करेंगे, मैच करके फिट करने वाला तरीका। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि लाइन के विभिन्न नामों को लिखिए, मतलब ये जो है फिगर, इसमें जितने भी हैं वो सारे सारे लाइंस ही हैं, बस उनके अलग अलग नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए अब इन लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला हो गया L, दूसरा यहाँ से यहाँ AB, तीसरा यहाँ से यहाँ AC, चौथा यहाँ से यहाँ AD, पांचवा यहाँ से यहाँ BC, छठा यहाँ से यहाँ BD और लास्ट सातवां यहाँ से यहाँ CD, है ना? तो आंसर को इस प्रकार से लिखेंगे, लाइंस, लाइन L, लाइन AB, लाइन AC, लाइन AD, लाइन BC, लाइन BD और लाइन CD। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में फिगर्स दिए हुए हैं और ग्रुप बी में फिगर्स के नाम दिए हुए हैं। इन आकृतियों को उनके सही नाम से मैच करना है। ओके, तो चलिए मिला लेते हैं। पहला यह आकृति है, इसमें दोनों तरफ एरो हेड लगा हुआ है, मतलब यह क्या होगा? लाइन होगा। दूसरे में दोनों तरफ क्या है? एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये फिक्स्ड हैं, ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। थर्ड में क्या है? यह एक फ्लैट सरफेस की तरह दिख रहा है, मतलब क्या होगा? प्लेन। फोर्थ क्या है? यह यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरी ओर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो यह क्या होगा? रे। ठीक है, अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्कुरेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्कुरेंस इन द फिगर। नीचे दिए गए आकृति का निरीक्षण करिए, उनकी समांतर रेखाओं, संगामी रेखाओं तथा संगमन बिंदुओं के नाम लिखिए। इसे भी हल करने के लिए हम इनके परिभाषाओं का ही मदद लेंगे। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिभाषा की अच्छी जानकारी होने से स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न हल करने में कितनी मदद मिलती होगी। यहाँ कोई भी प्रश्न हल करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ की उसकी प्रकृति के अनुसार परिभाषाएँ होती हैं, डेफिनेशंस होते हैं, इसी से ही हर वस्तु की पहचान होती है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस के लिए एक ही तरफ झुके हुए रेखाओं पर ध्यान देंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ लाइंस ए और पी लेफ्ट की ओर झुके हुए हैं और लाइंस बी सी एम और क्यू राइट साइड की तरफ। तो पहले लेफ्ट वाले को चेक करते हैं,
इसके लिए ये ऊपर वाले भाग के बीच की दूरी को मापेंगे और फिर इन्हीं के नीचे वाले भाग के बीच की दूरी को मापेंगे। इनके बीच की दूरी समान होने पर पता लगेगा कि ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों रेखाएँ ए और पी समांतर रेखाएँ हैं। तो चलिए इसे मापते हैं। इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरियाँ एक समान हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएँ हैं। इसी तरह से ये राइट साइड वाले को भी मापेंगे। लाइन सी के झुकाव को देखने से ही पता चल रहा है कि ये इनमें से किसी के समांतर नहीं है, तो इसको अलग ही रखेंगे। इसलिए हम लाइन्स बी, एम और क्यू के बीच की दूरियों को मापेंगे। तो यहाँ मापने से लाइन बी और लाइन एम के बीच की दूरी बराबर लग रही हैं, लाइन बी और लाइन क्यू के बीच की दूरी भी बराबर हैं, और लाइन एम और लाइन क्यू के बीच की भी दूरियाँ बराबर हैं। इस प्रकार से ये तीनों भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो आंसर लिखेंगे पैरेलल लाइंस, फर्स्ट के लिए है लाइन ए लाइन बी, एंड सेकेंड के लिए हो गया लाइन बी लाइन एम लाइन क्यू, ठीक है। और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लाइन ए पैरेलल लाइन बी, और सेकेंड के लिए लाइन बी पैरेलल लाइन एम पैरेलल लाइन क्यू। अब कॉन्कुरेंट लाइंस की पहचान करेंगे। कॉन्कुरेंट लाइंस के परिभाषा के अनुसार इस एक पॉइंट ए से ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन गुजर रहे हैं, और पॉइंट डी से ये लाइन ये लाइन और ये लाइन गुजर रहे हैं। इसलिए इन दो बिंदुओं के लिए अलग अलग संगामी रेखाएँ इस प्रकार से हैं। कॉन्कुरेंट लाइंस, पॉइंट ए के लिए लाइन ए लाइन बी लाइन सी और लाइन ए सी। इसी प्रकार से पॉइंट डी के लिए लाइन पी लाइन क्यू और लाइन ए डी होगा। यही इसका आंसर है। और इस प्रकार से यह अध्याय बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री संपूर्ण हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वीडियो को इस प्रकार से प्रस्तुत करने में बहुत मेहनत और डेडिकेशन लगते हैं। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी अपने क्लासमेट्स को इसे शेयर अवश्य करें। इस प्रकार से आप भी अपने दोस्तों एवं आपकी कक्षा में पढ़ने वाले अन्य सभी छात्र एवं छात्राओं की मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें।